जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का धातकीडी इलाका सोमवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से सिहर उठा, जहां बेखौफ अपराधियों ने जैदी नामक नशेड़ी युवक के माता पिता के साथ मारपीट करने के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे पड़ोसियों को गोली मार दी। इस घटना में एक व्यक्ति को सीने में जबकि एक को पैर में गोली लगी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए टाटा मुखी अस्पताल ले जाया गया है, जहां एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। मैं चिड़ियाक्रम से लौटे क्रम में देखा कि घर पे बेटा जो है हैंगिंग हो गया था, तो मेरी वाइफ जो है दूसरे लोगों का अपनी बहनों के उसको उतार के नीचे रखी थी। उतने के बीच में जो है हम घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद मालूम आके वो सुसाइड कर लिया। अब चूंकि हम फिलदारी में नौकरी करते हैं, तो हमारे अपने फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए जो है हम घर पे बात ही कर रहे थे, उतने में सक्रिय गैंग जो कि मेरा बेटा चूंकि नशेड़ी था, तकरीबन 4 सालों से वो नशा करते चले आ रहा था, और 4 सालों में हम बुरी तरह से परेशान रहे हैं, और उस क्रम में वो मेरी वाइफ को मार मार करके मेरे घर का सोना चांदी तक बेच चुका है। और 3 तारीख को सुबह से मेरे ड्यूटी जाने के बाद से जो है लगातार मेरी वाइफ को मारता चला आ रहा था, और 3:30 बजे के आसपास उसने आखिरी बार जब सुसाइड करने से पहले मेरी वाइफ को 1 लाख मारा, जो कि उसके आंख में चोट लगी अच्छी तरह से, जो कि साफ देखा जा सकता है। मां को मारा और उसके बाद वो हैंग कर गया। उसके बाद हम पुलिस आई, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, और पुलिस हमको अपने साथ रखते हुए मेरे से बयान नोट किया गया। उसके बाद हमको बोला गया कि इलाज में आप रहिए, चूंकि इलाज चल रहा है और 2 दिन से हम दौड़ रहे हैं। आज सुबह में मैंने डॉक्टर से पता लगाया कि क्या सिचुएशन है, तो डॉक्टर ने बताया कि वो लौटने के चांसेस में नहीं है, इसलिए अगर ये बिल हुआ है, बिल के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि इसको अपना घर ले जाएं, क्योंकि इसमें रिकवरी चांसेस बिल्कुल नहीं। आ करके अपने घर पे हम अपने घर वालों से बात कर रहे थे कि हम सबसे पहले इस मैटर को पुलिस डिपार्टमेंट को बता दें और उसके बाद फिर अगला कदम करेंगे। तब तक का मुझ पे लड़कों का जो है आकर के हुजूम, आकर के गाली गुप्ता किया, गंदे गंदे तरीके से मेरी माँ को यानी बेटी जो जैदी के दादी को, दादा को, मेरी वाइफ को बहुत गंदे गंदे गाली से, उसमें सलमान नाम का लड़का जो है हमको बहुत बुरी तरह से किया है, करीब 25-30 लड़के के साथ अटैक किया। ये सब एक तो भालूबासा का है और बाकी सब जो है धतकीडी का है, और सलमान शायद भालूबासा का, वो लोग चला गया। उसके बाद हम जो है जाने ही वाले थे, उसके बाद फिर गैंग वो वापस रिटर्न हुआ है, क्योंकि उनको पता चला कि हम थाना जा रहे हैं, तो मेरी माँ को घसीटा, मेरी वाइफ को घसीटा, और उसके बाद मेरे को बाहर जैसे ही मारने के लिए लेके जाओ था, बस्ती के लोग मुझे बचाने के लिए जैसे ही आए उनको भी मारने लगा, हमको भी मारने लगा। जब उनको कमजोरी महसूस हुआ तो वो लोग भाग निकले, और भाग निकलने के बाद फिर थोड़े दिन के बाद दूसरे रास्ते से हरिजन बस्ती के रास्ते से 6-7 गोली चलाते हुए लोग आए हैं, जिसमें हमारा 2 पड़ोसी, एक का सीना में गोली लगा और एक का पैर में गोली। उनका कहना है कि आपने मार दिया, हम बेटा को मार दिए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जमशेदपुर सिटी SP सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। बताया जाता है कि भालूबासा के सलमान नामक हिस्ट्री शीटर अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से कई राउंड खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बताया जाता है कि 3 दिनों पूर्व जैदी नामक युवक ने नशे की हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसे परिजनों द्वारा टाटा मुखी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैदी सलमान के लिए नशे की डीलिंग करता था। मेरे ऊपर में बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो अपराध कर्मी उन लोग से मेरा कोई संबंध नहीं है, हम उन लोग को नहीं जानते हैं। हम भी आसू पार्टी बिष्टुपुर मंडल से है, मेरा कोई संबंध नहीं है। परिजनों का आरोप है कि सलमान ही उसे बिगाड़ रहा है। फिलहाल जैदी टाटा मुखी अस्पताल में इलाजरत है। उधर परिजनों ने बताया कि सलमान को आरोपी बनाए जाने के बाद उसे बदला लेने की नीयत से सलमान ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी कर रही है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है, उसमें परसों 3 तारीख को जैदी नाम के एक लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जो कि TMS में इलाज रहा था। वो एक नशे का आदि व्यक्ति था और वो जिन लोगों के साथ नशा करता था उसमें एक आर्म्स एक्ट
शायद भगोड़ा है सीताराम देरा थाना क्षेत्र का, जिसका नाम है सलमान, वो और उसके कुछ गैंग मेंबर्स जो है उनका ये आरोप है माता पिता पर कि आप लोगों का इलाज नहीं करा रहे हैं। जबकि असली कहानी ये है कि इस लड़के के जरिए वो लोग इससे पैसे मंगाते थे और उससे वो नशा करते थे। पुलिस उसकी खोज में लगी हुई थी, उसी का बदला लेने के लिए माँ बाप वो लोग यहाँ आए और उन्होंने जो है माँ बाप के साथ में फ्रेसिंग करने की कोशिश की, उनको उठा पटक करने की कोशिश की, उनको धमकी दे रहे थे कि आपके पास पैसा नहीं है आप इलाज नहीं करा सकते हैं उसका जल्दी का। तो यहाँ के कुछ गणमान्य लोगों ने इस झगड़े को छुड़ाने की कोशिश की, तो उन्होंने फिर लीगल आर्म्स निकाल के यहाँ पे चार पांच राउंड इन्होंने फायरिंग की, जिसमें से दो लोगों को ये फायर लगा है, एक को चेस्ट में लगा है, चेस्ट और स्टमक के बीच में, दूसरे व्यक्ति को पैर में लगा है। दोनों गणमान्य व्यक्ति हैं जो इस जैदी के पिताजी को इन गुंड से इन गुंडों से छुड़वा रहे हैं। यही अभी पूरा मामला था, पुलिस इसमें अभी छापामारी कर रही है कि जितने भी इनके गैंग मेंबर्स थे उनको पकड़ा जाए और उनको जेल भेजा जाए। जैदी की स्थिति क्रिटिकल है जैसा कि इनके फादर ने हमको बताया, लेकिन उसके उनके फादर और डॉक्टर का मैसेज भी ज्यादा यहाँ पे दो हम लोगों को मिले हैं एम्प्टी कार्ट्रेजेस और कुछ लाइव कार्ट्रेजेस, और अभी सर्च जारी है, घटना स्थल का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरी सर्च करने के बाद ही हम लोग आपको बता पाएंगे कि कंप्लीटली कितना एमिनेशन ये सब।